प्रदेश पुलिस द्वारा करवाई गई कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने के खुलासे के बाद अब ऊना पुलिस भी इस मामले की जांच में जुट गई है। ऊना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले में जांच को आगे बढ़ाते हुए करीब एक दर्जन अभ्यर्थियों से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि पूछताछ के दौरान अभ्यर्थियों से ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि उन्होंने लिखित परीक्षा से पहले लीक पेपर तो नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि कांगड़ा में पेपर लीक मामले की एफआईआर दर्ज होने के बाद ऊना पुलिस ने एहतियात के तौर पर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि इस मामले में आगामी कार्रवाई पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित एसआईटी ही करेगी।